हेलो गाइस, प्रीति रानी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ योगा से रिलेटेड, सूर्य नमस्कार, जिसको मैं आज आप लोग को बताऊंगी। सूर्य नमस्कार करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, बैक प्रॉब्लम अच्छा रहता होता है, बैक में कोई दिक्कत नहीं आती है और पूरे बॉडी फिट रहता है सूर्य नमस्कार करने से। और फिर जैसे कि बीपी का प्रॉब्लम सही रहेगा, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ सारे स्टेप सूर्य नमस्कार करने से सही रहता है। तो आप लोग ज़रूर सूर्य नमस्कार करें और मैं आप लोग को आज सूर्य नमस्कार का वीडियो बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। थैंक यू। तो वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मैं आगे आगे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी। योगा से रिलेटेड भी रहेगा, पूरे रामदेव बाबा जो 12 स्टेप बताते हैं योगा के बारे में, वो मैं सारे वीडियो लेकर आऊँगी। पहले इससे पहले मेरा चैनल को प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये मेरा सूर्य नमस्कार करने का ये वीडियो कैसा लगा। तो सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। इस स्थिति में आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपका जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र की तरफ होना चाहिए। ऐसे अब आप सीधे खड़े रहिए हाथ जोड़ के। दूसरा स्टेप अब हम शुरू करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, सांस को भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर, तने और भुजा और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। जी हाँ, हाँ, आप पीछे की तरफ ऐसे रख सकते हैं जिस तरह इस वक्त मैं मुड़ी हुई हूँ। ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब करेंगे हम तीसरा स्टेप। इसमें क्या होता है, तीसरी स्थिति में सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुक जाएं, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटाते हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं ज़मीन को आपको छूना है, टच करना है, स्टेप करना है। हाँ, इस तीसरे स्टेप में आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अब चौथी स्थिति में क्या करेंगे, आप सांस को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में इस वक्त दिख रहा है। पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर ताने, गर्दन को ज़्यादा पीछे की ओर झुकाएं। टांग आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, पीछे की ओर होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए पैर के पंजे पर। इस स्थिति में कुछ समय तक आपको रुकना है। चलिए अब पांचवें स्टेप में फिर से सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए दाएं पैर को भी अब आप पीछे ले जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं पीछे ले गई, दोनों पैरों की एड़ियां आपस में मिली हुई होनी चाहिए। पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें, एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। जी हाँ, इसी तरह थोड़ी देर इस स्थिति में हम रुकेंगे ताकि जो सूर्य नमस्कार है हम उसे अच्छे से कर सकें। अब अगले स्टेप में आप अपने पीछे का हिस्सा थोड़ा ऊपर उठाएंगे, इसको हम पर्वतासन भी कहते हैं, और इस स्थिति में थोड़ी देर तक आपको रुकना है। ध्यान रहे नज़रें ज़मीन पर होनी चाहिए, आपकी पृथ्वी की तरफ होनी चाहिए। अब इसमें दाएं पैर को हम आगे लाएंगे, जैसे हमने पहले उसको पीछे किया था उसी स्थिति में दोबारा से आगे लाके रख लेंगे। दाएं पैर को आगे ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद हम बाएं पैर को भी आगे लाएंगे। इस स्थिति में पहले इस स्थिति में रहेंगे, हाथ ज़मीन पर, घुटने सीधे, और इस स्थिति के बाद दोबारा से आप सीधे पीछे जाते हुए खड़े होंगे, हाथ आपके पीछे जाने चाहिए। सेकंड स्टेप जो था हमारा सूर्य नमस्कार का, वो फिर से होगा, हाथ दोनों पीछे कान से सटाते हुए, गर्दन भी पीछे की ओर खिंचाव, और फिर दोबारा से हाथों को जोड़ते हुए बिल्कुल छाती के सामने ले आकर खड़े हो जाएंगे। ये हमारा पहली स्थिति जैसा ही था और ये हमारा हो गया सूर्य नमस्कार के सारे स्टेप कंप्लीट।